hello students good morning last hour question number 14 completed today start the question number 15 answer the following questions first question is if one cake cost rupees 200 then how much does 3 upon 4 part of the cake cost okay तो वन के प्राइस टू हंड्रेड रुपीज तो थ्री अपो थ्री अपॉन फोर पार्ट हाउ मेनी रुपीज तो ये राइट टू हंड्रेड मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर फर्स्ट ऑफ ऑल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर तो ये राइट टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी ओके माइनस सम्स करेंगे हम तो जीरो ज़ीरो जीरो एंड टू माइनस टू ज़ीरो लास्ट ज़ीरो अपर साइड डाउन साइड दोनों जीरो है इसलिए लास्ट जीरो हम अपर साइड लिखेंगे ओके okay, तो आंसर इज फिफ्टी फिफ्टी मल्टीप्लाई थ्री ये राइट फिफ्टी मल्टीप्लाई थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो ये राइट फिफ्टीन एंड वन जीरो एड यानी टोटल रुपीज इज वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ओके वन केक रुपीज टू हंड्रेड एंड थ्री अपॉन फोर पार तो वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ओके और फर्स्ट सम्स कंप्लीटेड नेक्स्ट सेकेंड सम्स सेम वे सही है इफ वन वॉटर मेलन कॉस्ट रुपीज हंड्रेड देन हाउ मच डज वन अपॉन फोर पार्ट ऑफ द वॉटर मेलन कॉस्ट ओके वन वॉटर मेलन हंड्रेड रुपीज तो वन अपन फोर्थ पार्ट हाउ मेनी रुपीज तो यू आर राइट हंड्रेड मल्टीप्लाय वन अपॉन फोर First of all, 100 divided by 4. So here write sums 100 divided by 4. 4, 2 ja 8. And minus 10 minus 8 is equal to 2. And last is 0 downside, right? 4, 5 ja 20. 20 minus 20 is equal to 0. So, answer is 25. 25 multiply 1. So 25 1 25. So answer is 25 rupees. Okay. Next third sums. If one dozen mango cost rupees 120, then how much does half dozen mango cost? One dozen 120. And half dozen yani 1 upon 2. Half yani 1 upon 2. So here write 120 multiply 1 upon 2. So first of all, division sums 120 divided by 2. So here write 120 divided by 2. 2 6 jaan, ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो डाउन साइड जीरो आ गया इसलिए ये जीरो हम अपर साइड लिखेंगे तो आंसर इज सिक्सटी एंड सिक्सटी मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू सिक्सटी रुपीज सिक्सटी वन जाके थर्ड समल्सो कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मच पार्ट डज वन अपॉइंट फोर पार्ट ऑफ टू लीटर ऑफ वाटर मीन ओके टू लीटर यानी मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो टू थाउजेंडों का वन लीटर तो वन थाउजेंड टू लीटर तो टू थाउजेंड हियर राइट टू थाउजेंड मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर इज इक्वल टू यहाँ पे हम पहले करेंगे टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी एंड ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जीरो एंड टू जीरो अपर सेड यानी फाइव हंड्रेड ये राइट फाइव हंड्रेड कट करके हम लिखेंगे और फाइव हंड्रेड वन जहा फाइव हंड्रेड तो इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड मिली लीटर फाइव हंड्रेड मिली लीटर यानी हाफ लीटर वन अपॉन्ट टू लीटर और यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा तो हम सम्स करेंगे टू मल्टीप्लाई वन अपॉन्ट फोर टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर ओके कट करके वो भी आप आंसर लिख सकते हो ओके okay, मैंने यहाँ पे मिलीलीटर में कन्वर्ट करके सम्स किया है आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मच पार्ट डज थ्री अपॉन फोर्थ पार्ट ऑफ फोर लीटर ऑफ मिल्क मीन ये भी सेमसम से फर्स्ट ऑफ फोर फोर लीटर कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर तो फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर कट यानी थाउजेंड ओके अपर साइड वन थाउजेंड मल्टीप्लाई थ्री यानी थ्री थाउजेंड मिली लीटर कन्वर्ट इनटू लीटर तो इज इक्वल टू थ्री लीटर ओके आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा यानी फोर मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर एंड फोर फोर कट तो अपर साइड थ्री कम आंसर इज थ्री तो थ्री लीटर ओके वैसे भी आप सम्स कर सकते हो ओके फिफ्थ सम्स आवर कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स there are 44 students in a classroom out of them 3 upon 4 part of the students are boys then how many girls are there in the classroom total students is 44 students and 3 upon 4 part boys okay so first of all right here 44 divided by 4 okay So, answer is 4 1 4 and 4 1 4 the so answer is 11 11 multiply थ्री तो टोटल बॉयज इज थर्टी थ्री बॉयज ओके अब थर्टी थ्री बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी हाउ मेनी गर्ल्स तो टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी फोर है उसमें से थर्टी थ्री बॉयज है तो माइनस करेंगे फोर्टी फोर माइनस थर्टी थ्री तो ये राइट फोर्टी फोर माइनस थर्टी थ्री इज इक्वल टू इलेवन गर्ल्स ओके आंसर इज इलेवन गर्ल्स Next question number seven. There are 84 marbles in one box. Out of that, 1 upon 4 part of the marbles are red. Then how many red marbles are there in the box? Okay, total marbles 84. And one upon fourth part, red marbles here, right? One. Okay, one box, total marbles eighty four. एंड वन अपॉन फोर्थ पार्ट हाउ मेनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो एटी फोर डिवाइडेड बाई फोर यानी आंसर इज ट्वेंटी मार्बल्स इज रेड मार्बल्स ओकेर सम्स कंप्लीटेड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट डिज इज वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल ऑफ रुपीज टू ही गिवस अ रुपीज वन कॉइंस फ रुपीज कॉइन एंड क्वार्टर रुपी कॉइन टू दॉपकीपर इज दिस अमाउंट इनफ फॉर ब्रिजेस टू बाय द पेंसिल ओके ब्रिजेश ने पेंसिल लिए लिए टू रुपीज की और उसने शॉपकीपर को कॉइंस दिए वन रुपीज का कॉइन्स ओके तो हेयर राइट वन रुपीज यानी हंड्रेड पैसा ओके

तो टोटल पैसा उसने दिया है वन हंड्रेड सेवेंटी फ़ाइव पैसा और यहाँ पे हुए टू रुपीज़ पेंसिल्स के हुए हैं तो वो नहीं होगा इनफ नहीं है वो क्योंकि टू रुपीज़ यानी पैसा होगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड पैसा लेकिन उसने दिया है वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पैसा ओके वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव फाइव पैसा है यानी वन पॉइंट सेवेंटी फाइव रुपीज़ होगा लेकिन यहाँ पर टू रुपीज़ टोटल हुए पेंसिल्स के तो वो इनफ नहीं है तो आंसर इज नो ओके तो डाउन साइड राइट नो दिस अमाउंट नॉट इनफ फॉर ब्रिजेस टू बाय द पेंसिल्स ओके क्वेश्चन नंबर एट अवर कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन मिहिर डिड हाफ ऑफ द हाफ हीज होमवर्क ऑन मंडे एंड वन क्वार्टर होमवर्क ऑन ट्यूजडे हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डीड ही हाफ होमवर्क उसने मंडे को कम्प्लीट किया है एंड वन क्वार्टर होमवर्क ऑन ट्यूजडे तो हाफ यानी वन अपॉन टू एंड प्लस वन क्वार्टर यानी वन अपॉन फोर ओके मंडे को किया है उसने हाफ यानी वन अपॉन टू एंड ट्यूसडे को वन क्वार्टर यानी वन क्वार्टर यानी वन अपॉन फोर दोनों काम प्लस करेंगे ओके okay? प्लस यहाँ पे प्लस करना है लेकिन डाउन साइड हमें सेम चाहिए ओके okay? तो यहाँ पे फोर है और यहाँ पे टू है तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे टू करेंगे यानी डाउन साइड टू लिया हमने तो अपर साइड भी हम टू लेंगे ओके okay? तो टू टू जब फोर एंड टू वन जा टू इज इक्वल टू राइट इू अपर साइड टू वन टू जा टू एंड टू टू जा फोर तो दोनों इक्वल हो गए फोर एंड फोर सेम हो गया ओके okay, तो अब प्लस करेंगे हम टू प्लस वन इज इक्वल टू ईर राइट टू प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर यानी टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री तो टोटल पार्ट्स हुए थ्री अपॉन फोर ओके प्लस करने के लिए डाउन साइड जो नंबर होता है वो हमें सेम चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे टू एड किए यानी डाउन साइड टू लेंगे तो अपर साइड भी यहाँ पे टू आएगा ओके okay? और बाद में उसका प्लस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा थ्री अपॉन फोर ओके और क्वेश्चन नाइन कंप्लीट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एंड इलेवन योर होमवर्क ये सम्स दोनों आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है ओके थैंक यू